तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सीखे हैं कि किस तरह आप अपने ऐड ऑन रील को इनेबल आप कर सकते हैं फेसबुक पेज हो फ्रेंड्स या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो। एक्चुअली फ्रेंड्स फेसबुक पेज हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल में हो जो कि ऐड ऑन रील को आपको क्या होता है फेसबुक खुद आपको इनवाइट करता है, लेकिन उसको इनवाइट करने के लिए फ्रेंड्स कुछ सेटिंग होता है जो कि अगर आप कर लेंगे तो आपको फेसबुक उधर से खुद इन्वाइट करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप सबसे पहले पूरा का पूरा देख लीजिएगा एक्चुअली में आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम आएगा या फिर आपका ऐड ऑन रील आपके फेसबुक पेज में ऑन होगा या नहीं, फेसबुक पेज हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो कौन कौन सा कंडीशन है वो सभी आप इस वीडियो को पहले पूरा आप देख लीजिए। एक बार ऐसा होता है कि कितने फ्रेंड होते हैं जो कि मेरे वीडियो चालू कर लेते हैं उसके बाद जो जो सेटिंग मैं बताता हूं वो सेटिंग को करते जाते हैं, नहीं पहले आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप दूसरे मोबाइल में आप एक तरफ चालू कर लीजिएगा जो जो डॉक्यूमेंट आपको खोजेगा जैसे कि स्क्रीनशॉट खोजता है या फिर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है तो उसको पहले आपको लिखना होता है उसके बाद आपको फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल का आपको लिंक कॉपी करना होता है, इन सभी को आपको सबसे पहले लिख कर और स्क्रीनशॉट लेकर कर रखना होता है तभी आप उस सेटिंग को आप कीजिएगा तब आपको बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा देखें उसके बाद आप दोबारा वीडियो को प्ले कर आप देखिएगा जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे आप फेसबुक पेज हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल में वही सेम आप करना होगा फ्रेंड्स। तो उसको करना कैसे फ्रेंड्स वो मैं आपको कर दिखाता हूं, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर आपको दिखाते हैं किस तरह आप फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल में ऐड ऑन रील को आप इनेबल आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेसबुक को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं फेसबुक ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दें यहाँ पे जो जो मैं करूंगा फ्रेंड्स पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए उसके बाद ही आप अपने फेसबुक पेज हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल इन सभी में आप कीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने फेसबुक पेज को यहाँ पे ओपन कर लिया फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो प्रोफाइल आइकॉन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दे। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैनेज पेज के ऊपर क्लिक कर दे। मैनेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए मैं फेसबुक पेज में कर रहा हूँ, अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल होगा फिर तो यहाँ पे सी डैशबोर्ड लिखा गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैनेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा मोनेटाइजेशन का ऑप्शन फ्रेंड्स, या फिर आपको यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे मेरे को मोनेटाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिला है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दे। यहाँ पे फ्रेंड्स मोनेटाइजेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा स्टार का है जो कि ऑन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरे को करना है क्या फ्रेंड्स मेरे को ऐड ऑन रील को इनेबल करना है, तो यहाँ पे देखिए ऐड ऑन रील के ऊपर आप क्लिक कर दे। ऐड ऑन रील के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट इस तरह आप ले लेते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सीधा बैक आता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूं, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो कोने में फ्रेंड्स यहाँ जो थ्री लाइन है यहाँ पे कोने पे जो थ्री लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। जैसे आप कोने में थ्री लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेटिंग एंड प्राइवेसी है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ, पूरा फेसबुक में मैं बैक जाके यहाँ पे रिसेंट में मैं क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म कर देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फेसबुक को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं फिर से यहाँ पे जो थ्री लाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक कर दे। हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम के ऊपर आप क्लिक कर दे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम है इसके ऊपर आप क्लिक कर दे। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इंतजार किया फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना डू नॉट इंक्लूड है इसके ऊपर आप सबसे पहले क्लिक कर दिया। जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं करूंगा वैसे वैसे ही आप कीजिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि आपका फेसबुक पेज है या फिर फेसबुक प्रोफाइल है। आप मान के चले मेरा फेसबुक पेज है तो यहाँ पे मैं फेसबुक पेज क्लिक करूंगा, और अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो आप अपना फेसबुक प्रोफाइल क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेरा फेसबुक पेज है, तो यहाँ पे मैं अपना फेसबुक पेज को यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेज है, तो यहाँ पे मैं पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट है जो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन नहीं मेरे को यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे हटाना है। सबसे पहले इसको मैं हटा दिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड फ्रॉम फोटो है इसके ऊपर आप क्लिक कर दे। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है फ्रेंड्स उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक कर दे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स जो कि मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना हुआ फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना हुआ यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं इसको पहले डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपना
इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिख कर मैं डाल दूंगा फ्रेंड्स, या फिर मैं आपको यहीं से भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको ना टेलीग्राम का लिंक दूंगा फ्रेंड्स, ना ही इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, आप सीधे इसी वीडियो में आप सारा का सारा समस्या सोल्व आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने नोटबुक में जो भी मैं लिखा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं अपने नोटबुक में पहले आ जाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं नोटबुक में यहाँ पे मैं पहले से मैं लिख के रखा हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको मैं बोल रहा था पहले से कि जो भी आपको करना पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप मैं जैसे करूं वैसा आप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नोटबुक में यहाँ पे मैं क्या क्या जो लिखा हूं जो, और उसके बाद फ्रेंड्स अपने पेज का जो है जो लिंक है वहां पे मैं ये भी मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा हूं। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी का यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इन सभी को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से मैं फेसबुक पे आ जाता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो जो लिखा हूँ फ्रेंड्स वो आप भी यहाँ पे आप सबसे पहले आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, जो कि मैं यहाँ पे जो कि देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ जो यहाँ पे मेरा शो कर जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मेरा सारा का सारा यहाँ पे जो भी मैं लिखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ यहाँ पे मैं देखिए पेस्ट करूँ, या फिर आप यहाँ पे देखिए मैं इसको स्क्रीन पे भी मैं दे दूँ, इस तरह आप सिंपल तरीका से आप लिख लीजिए। और सेम वैसा ही आप अपने फेसबुक पेज हो फ्रेंड्स या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो वहाँ पे आप लिख कर ऐसे डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके देखिए यहाँ पे सेंड रिपोर्ट है, यहाँ पे सेंड रिपोर्ट के ऊपर आप इस तरह आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड जैसे आप क्लिक करें फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप अपने एड ऑन रील का इनेबल करने के लिए आप रिपोर्ट आप कर सकते हैं फिर, जो कि आपको एक फेसबुक है जो कि खुद इनवाइट करता है, ऐसा नहीं आपको एक कर देंगे तो आपको खुद इनवाइट करें आपको एड ऑन रील के लिए ऑप्शन आ जाएगा फिर। इस तरह बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स आप अपने फेसबुक पेज फ्रेंड्स या फिर फेसबुक प्रोफाइल आप इनेबल बहुत ही आसानी से एड ऑन रील को आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये हो गया फ्रेंड्स, आप इस तरह आप कीजिएगा फिर, ये तो पहला तरीका हो गया फिर। लेकिन आपको कौन सा अवस्था में आपको पहले सेटिंग को आपको करना नहीं है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने फेसबुक पे आपको चेक करना होगा फ्रेंड्स कि आपके कोई भी प्रकार का आपका फेसबुक पेज हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो तो कॉपीराइट तो नहीं है या फिर कोई भी ऐसा वायलेंस तो नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा वायलेंस रहेगा फ्रेंड्स आपके फेसबुक पेज में या फिर फेसबुक प्रोफाइल में, तो ये जो रिपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स तो आपको एड ऑन रील का ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसको आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। या फिर आपको फेसबुक पेज में जो आपको लिंक को कॉपी करना था, जो मैं यहाँ पे लिंक कॉपी किया था, उसको आप किस तरह लिंक को कॉपी करेंगे वो भी मैं आपको कर दिखा देता हूँ। इसलिए मैं आपको बोला था कि पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप भी रिपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको मैं बैक जाता हूँ फ्रेंड्स। बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए मैं फिर से मैं अपना फेसबुक यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आपको जो फेसबुक पेज हो फ्रेंड्स या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो उसका लिंक को अगर आपको कॉपी करना होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए आपने प्रोफाइल वाला अकाउंट पे आप आ जाए फ्रेंड। प्रोफाइल वाला अकाउंट पे जैसे ही आएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो थ्री डॉट है, थ्री डॉट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। थ्री डॉट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करें फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड्स योर पेज लिंक, इसको आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका पेज का है जो कि लिंक है जो कि कॉपी हो जाएगा। अब अपने नोटबुक में पेस्ट करके रखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप चैट में आप पेस्ट करके रखें, वहां पे कहीं भी आप इसको पेस्ट करके आप रख लें। आप जो भी मैं जो लिखा हो डिस्क्रिप्शन में उसको भी आप पहले लिख कर रख लीजिएगा, उसके बाद पहले उसको स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। ये सभी को आप पहले काम करना होगा फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स, ये इतना कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपको लिंक कॉपी करने के लिए मैं बता दें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चेक करना है कि आपके फेसबुक पेज हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल में किसी प्रकार का वायलेंस तो नहीं है या फिर किसी प्रकार का कॉपीराइट तो नहीं है या फिर किसी गाने या सॉन्ग का कोई कॉपीराइट तो नहीं है। तो ये सभी को आप पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही रिपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आप मैं उसको किस तरह चेक करना वो मैं आपको करके दिखाता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसको फिर से मैं फेसबुक में अपना ओपन कर लेता हूं। उसके बाद फिर से थ्री लाइन है, थ्री लाइन के ऊपर आप क्लिक कर दे। थ्री लाइन के ऊपर क्लिक जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं फिर से ना पूरा फेसबुक में यहाँ पे बंद कर देता हूं। उसके बाद मैं खोल कर आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स। देखिए मैं फेसबुक को यहाँ फिर से मैं खोल लेता हूं। उसके बाद फिर से यहाँ पे थ्री लाइन पे आ जाता हूं। थ्री लाइन के ऊपर आने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर फिर से आप क्लिक कर दें। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए सपोर्ट इनबॉक्स के ऊपर आप क्लिक करें फिर। यहाँ पे सपोर्ट इनबॉक्स के ऊपर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो आपका कोई भी किसी प्रकार का आपका फेसबुक पेज में कॉपीराइट हो या कोई भी गाना का प्रॉब्लम है या कोई वीडियो का कोई भी प्रॉब्लम होगा फिर, तो यहाँ पे आपको अदर में होगा या फिर योर अलर्ट में होगा यहाँ पे या फिर रिपोर्ट्स एंड अबाउट अदर्स है, इसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले आप उसको यहाँ पे से हटाइएगा, उसके बाद ही आप एड ऑन रील के लिए अप्लाई कीजिएगा, रिपोर्ट कीजिएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए मेरे अदर्स में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे योर अलर्ट में भी कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले रिपोर्ट्स के ऊपर मैं भी अगर क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ फ्रेंड्स, रिपोर्ट मैं किया हूँ एड ऑन रील के। तो सबसे पहले आप इसको चेक कर लिया, अगर आपके
फेसबुक पेज हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो, तो अगर इस यहाँ पे कुछ भी है तो उसको किस तरह आपको हटाना है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके पे भी मैं एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाया हूँ कि किस तरह आप अपने फेसबुक पेज में कॉपीराइट को आप हटा सकते हैं, या फिर कोई भी सॉन्ग को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको किस तरह आप हटा सकते हैं, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले ही बनाकर मैं यूट्यूब पे मैं डाल दिया हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दिया हूँ, या फिर फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज में भी मेरा जाकर आप चेक कर लीजिए, वहां पे मैं इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ। फिर तो वहां पे आप देख कर यहाँ पर अगर इसमें इन तीनों जगह में आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही एड ऑन रील के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। फिर तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर और फिर इस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए फिर तो प्लीज फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों जब आप बेल आइकन घंटी को आप दबाएंगे फिर तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसको पर क्लिक कर देगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी इस तरह का कोई भी यूजफुल वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन है जो कि मिलता रहेगा। फ्रेंड तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।